सो है गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भी धात्री उद्योग लिमिटेड को लेकर। मेटल एंड माइनिंग सेक्टर की एक स्मॉल कैप कंपनी है, ठीक है, जो ये स्टॉक पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा में चल रहा था, जो अपने 52 वीक हाई से 28% फिसल चुका था भाई, ठीक है। लेकिन आज आप लोग देखोगे 52 वीक हाई से तो 29% के आसपास फिसला हुआ है, लेकिन आज आप लोग देखोगे स्टॉक में 90% का जो फॉल है वो हमें दिखाई दे रहा है। आप लोग इसकी प्रीवियस क्लोजिंग देखोगे 229 रुपये थी, ठीक है, 229 रुपये के आसपास इसकी प्रीवियस क्लोजिंग थी, यानी कि 220 रुपये के ऊपर में था। और अभी के टाइम आया हुआ कि इस रेंज में सिर्फ और सिर्फ 22 रुपये के आसपास। तो ऐसा क्या हुआ है कि स्टॉक में इतना बड़ा फॉल आ गया है? और स्मॉल कैप कंपनी के साथ साथ यहाँ पर पीछे ऑपरेटर गेम भी चला था, ठीक है, आपने देखा होगा यूट्यूब के ऊपर एड रन की जा रही थी, ठीक है, लगातार वीडियोस पर वीडियो डाले जा रहे थे और बहुत से निवेशकों के कमेंट आए थे। मैंने कमेंट्स में रिप्लाई भी दिए कि भी स्टॉक से दूर रहना, ऑपरेटर गेम है, और जो भाई भी हाई प्राइस से स्टॉक में फंसा उन्हें नुकसान नहीं हुआ और कुछ भी नहीं। तो धात्री उद्योग के अंदर पहले भी ऑपरेटर गेम चला था और आज आप लोग देखो कि इतने बड़े फॉल के बाद क्या स्टॉक में तेजी नहीं बनेगी? बनेगी। इतने बड़े फॉल के बाद आप लोग देखोगे इन्वेस्टर आएंगे, छोटे निवेशक है वो भी आएंगे, जो पहले से फंसे हुए हैं वो भी यहाँ पर खरीदारी करेंगे और यहाँ से स्टॉक में अपर सर्किट लगने के चांस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आप लोग देखो मार्केट ओपन होते ही स्टॉक में अपर सर्किट लगने के चांस बहुत ज़्यादा है और यहाँ से जो स्टॉक है वो हमें 10-15% ऊपर में उछलते हुए नजर आ सकता है, क्योंकि एक अच्छे खासे फॉल पर अगर स्टॉक दिखाई देगा जो पहले से चर्चा में चल रहा हो और स्मॉल कैप कंपनी हो जिसके अंदर ऑपरेटिंग गेम चल रहा हो, वो तेजी ना दिखाई, ये हो ही नहीं सकता। तो यहाँ से स्टॉक में तेजी बन सकती है, बाय होल्ड सेल करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई। तो हम डिस्कस करेंगे भी आखिरकार ये 90% का फॉल क्यों हुआ स्टॉक के अंदर, 229 रुपये का शेयर क्यों 22 रुपये में आया हुआ है। तो चलिए आपको दिखा देते हैं। आज की डेट आपको याद ही होगी, कंपनी ने कुछ अनाउंस किया था, ठीक है, कंपनी ने स्प्लिट की अनाउंसमेंट की हुई थी, तो आज के दिन हमें स्प्लिट देखने को मिला है, ठीक है, 28 तारीख को यहां पर देख सकते हो भी कंपनी का जो शेयर है वो स्प्लिट हो चुका है, यानी कि जो स्प्लिट रेशियो वो क्या है, 10:1, यानी कि अगर आपके पास कंपनी का एक शेयर है तो वो एक शेयर 10 शेयरों में उसके टुकड़े कर दिए जाएंगे, ठीक है, यानी 10 शेयरों में डिवाइड कर दिया जाएगा एक स्टॉक को। आप लोग समझो भी एक शेयर तो आपके पास जो आपने खरीदा वो है, लेकिन ये जो 9 शेयर और आपको मिलने हैं एक के अलावा, तो वो आपके डीमैट अकाउंट में अब तक नहीं आए, जिसकी वजह से ये 90% का फॉल आया हुआ है। अगर ये 9 शेयर ये आ जाए और एक ये, तो टोटल 100% हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोग देखोगे आपका सारा का सारा लॉस कवर हो जाएगा जैसे ये 9 शेयर आपको मिल जाएंगे। 9 शेयर कब और कैसे मिलेंगे वो आपको बता देते हैं। देखो भाई कोई प्रोसेस तो है नहीं है, जो ये स्प्लिट शेयर आपको जो प्रोसेस है वो करनी पड़ेगी उसके बाद ये शेयर मिलेंगे, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑटोमेटिक कंपनी 1-2 वीक में जो स्प्लिट शेयर होते हैं वो आपके डीमैट अकाउंट में जो है क्रेडिट कर देती है। तो इसको लेकर कोई भी परेशान नहीं होगा भी क्यों आखिरकार ये स्टॉक टूटा है, कब आएंगे, तो ऑटोमेटिक 1-2 वीक में आ जाएंगे। तो जिस भी भाई के कमेंट्स थे या फिर जो भी सवाल थे, क्वेश्चंस थे इसको लेकर भी क्यों टूटा है, स्प्लिट शेयर कब मिलेंगे, वो सारे क्लियर हुए होंगे। इसके अलावा और कुछ पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हो भाई। और रही बात फ्रेश एंट्री की, फ्रेश एंट्री लेनी है नहीं लेनी है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई, क्योंकि ऑपरेटर गेम वाला शेयर है तो यहाँ पर थोड़ा सा संभल के चलोगे आई थिंक सही रहोगे, ठीक है। तो जिस प्रकार से स्टॉक में ये डाउन आया है, पीछे ऑपरेटर गेम चला था, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो स्टॉक में यहाँ से रिकवरी के चांस बन सकते हैं और ये शेयर ऊपर में हमें जो ना भी 30 रुपये के आसपास के मूव यहाँ से दिखा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो पहला टारगेट रहेगा ऊपर में वो रहेगा 25-84 का और दूसरा रहेगा 30 रुपये का, और आपको जो सपोर्ट देके चलना चाहिए नीचे में वो तकरीबन 20 रुपये के आसपास का, तो ये इसके लेवल है। और एंट्री लेनी नहीं लेनी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।